हम लोग कई बार पौधा खरीद के लाते हैं, फूल खिल जाता है, उसके बाद उसको गर्मी में कैसे नया पौधा बनाए और गर्मी में इतना धूप में नया पौधा बन जाए और बहुत सारा एक पौधा से दसों पौधा तैयार हो जाए, दोबारा ख़रीदना ना पड़े, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका लेके आया हूँ जो केलमची का पौधा है। और कुछ इसके अलावा इसके साथ और कुछ पौधा बताऊँगा मैं, हरा भरा रहेगा, फूल भी खिलेगा। हम महंगे महंगे जो पौधे लगाते हैं और लगा के दूसरी बार मर जाता है, तो कभी भी ये खरीद के लाए दोस्तों, तो छोटा गमला में जो ला लिए आप नर्सरी से, फूल खिल गया कोई बात नहीं, खिलने दीजिए, खिल ख़त्म हो जाए जिसको अभी काट के भी लगा सकते हैं। और भी इसका तरीका है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, तो इसको क्या कीजिए, अभी जून का टाइम है, अभी से तैयारी करेंगे तो जाके एक महीना टाइम लगेगा तैयार होने में, ग्रोथ होने में। उसके बाद आपको अगस्त सितंबर से फूल खिलना चालू होगा। केलमची का पौधा है, बहुत महंगा आता है, 150 का पड़ेगा, तो उसको ऐसे करके निकाल दीजिए, आराम से दोस्तों निकल जाता है। और उसके बाद इसको क्या कीजिए, आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, तो क्या होगा इसमें आराम से जो जितना जड़ है ना पूरा जड़ बाहर आ जाएगा अपना अपना जगह पर। ये देखिए दोस्तों, एक पौधे से दसों पौधा बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना सारा बन गया है, ये तो जड़ से बन गया है। और भी तरीका बताऊंगा इसमें। अब इसको क्या कीजिए, आप हाथ से कैंची से इतना तोड़ दीजिए, ये भी एक पौधा आपको तैयार हो गया। इसको अलग लगा दीजिएगा और इसको अलग लगा दीजिएगा, एक फूल वाला को तोड़ देंगे दोस्तों, ऐसे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए दोस्तों, अभी जो पतला पतला डाल तोड़ रहे हैं, एक में एक गमले में दो दो पौधे लगा देंगे तो भरा भरा भी दिखेगा, दो या तीन लगा दीजिए आपके हिसाब से, जो से आपको ठीक लगे। ये देखिए दोस्तों कितना सारा पौधा एक से बन जाएगा, एकदम कम से कम 20 पौधा बन गया एक पौधा से। अब एक गमले में आप तीन भी बनाते हैं, इतना बड़ा गमले में तीन भी लगाते हैं तो आपको 7 पौधा बन जाएगा एक पौधा से, हमेशा के लिए काम हो गया। एक प्लांट का पौधा है, बहुत ही बड़ी ऑक्सीजन प्लांट है, आप छोटे गमले में लगा के दूसरी बना सकते हैं और नया नया पौधा बना सकते हैं। इसको बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, रूम में आप कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पौधा है। और एक पौधा लगाने से 3 से 4 महीने में पूरा गमला भर जाता है, बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। तो इसको नया पौधा बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये समय सबसे बढ़िया है जून के महीने में लगाइए, जुलाई 2 महीना ठीक रहता है इसके लिए। कि निकाल दिए, निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों बता रहा हूँ आपको, इसको धो देंगे, ये सब एकदम आसानी से जड़ निकल जाता है। कितना पौधा बन गया, 2 3 4 5 6 पौधा तो बन गया आराम से। अब तो इसके बाद फिर अगले 3-4 महीने में इससे 6-7 पौधा एक से बनेगा, तो कितना सारा पौधा तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो ये पत्ता से भी तैयार होता है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से होता है। तो ऐसे करके आप बहुत सारा पौधा बना सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट। तो आइए अंत दूसरे पौधे, इसको भी छोटे गमले में लगाते हैं, इसको नया पौधा बना के आप हेज बना सकते हैं, लाइन से एक ही बिता में लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर होगा। नहीं तो छोटे छोटे गमले में लगा के पूरा आप डेकोरेशन कर सकते हैं, पोर्टिकल गार्डन में सबसे बेस्ट होता है। तो इसको आप धूप में छाटेंगे, एक पौधे से भी खरीद के लाए थोड़ा घना खरीद के लाए नर्सरी से, उसके बाद क्या करें इसको भी आप धो दे, मिट्टी झड़ा दे पहले, उसको धो दे। इसको धोने से क्या है, मिट्टी आराम से निकल जाता है, फिर जड़ दिखने लगता है कहाँ से कौन सा पौधा बनेगा, कितना पौधा बनेगा। ये देखिए दोस्तों, बिना जड़ का भी निकल जाए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये देखिए कितना सारा पौधा बना रहा हूँ, इस समय सबसे आसान तरीका लगाने का क्या है, सब चीज़ का सीजन होता है दोस्तों। तो बड़े पौधा इसमें लगा दीजिए, जिसको मदर प्लांट बोलते हैं, मदर हो गया, फिर इससे और निकलेगा, इससे तो निकलेगा ही निकलेगा। देखिए दोस्तों कम से कम एक पौधा में 10 से ऊपर पौधा है, तो ऐसे करके आप बहुत सारा पौधा बना। इसको सिद्धू में या गोल्डन ग्रास बोलते हैं, सेमी शेड में रहता है, आप हैंगिंग करेंगे तो एकदम बाल के जैसा पूरा लटकता है, आप पूरा चमक रहता है, बहुत ही बढ़िया पौधा है। या छोटे छोटे गमले में लगा के आप रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको खूब बढ़िया दिखेगा। और आप बोनसाई जिसे लगाए हैं उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं, तो उसका सुंदरता बढ़ जाता है। इसको लगाना भी एकदम बहुत आसान है, इसे निकाल दीजिए ऐसे करके, करके
ये देखिए दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से लगता है। बस इसको लगाए तो एकदम सेमी शेड में रखे, कभी भी इंडोर नहीं रखे, इंडोर में रखने से ख़राब होने का डर रहता है। इंडोर के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे करके लगा सकते हैं, हजारों पौधा बना सकते हैं दोस्तों ऐसे करके। तो ये डायफन का पौधा है, बहुत ही बढ़िया पौधा है, ये पूरा इंडोर रहता है, आप कम धूप में रख सकते हैं या पूरा इंडोर रखिए। महीने में एक बार धूप दिखाना है, हफ्ते में एक बार पानी डालना रहता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ऑक्सीजन प्लांट भी है, इसको कैसे पौधा नया बनाए मैं बता रहा हूँ आपको। इसको खा लेते हैं, मेरे पास अभी चाकू बले नहीं है तो हाथ से ही खा दिया हूँ। देखिए दोस्तों, फिर घूमगा तो अपने आप निकल रहा है। तो एक पौधा इसको फाड़ के काटिए, दो पौधा हो जाएगा, तीन चार पाँच छः। एक एक पौधा खरीदे जाएंगे ना, 80-100 रुपये का इतना बड़ा पौधा मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, 6 पौधा है, 500 रुपये कम से कम हो गया। अब इसको लगा देंगे 3 महीने में, फिर ऐसी घना एक पौधा 6-6 बेबी प्लांट दे देगा, इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया कारगर तरीका है, आप जून जुलाई में लगा सकते हैं पौधे। 5 पौधे से कम आप 80-90 पौधा बना सकते हैं, मैं जो बताएं उस तरीका से। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।